नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। स्वागत करती हूं आपका केकेआर न्यूज में। शाजापुर में आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष ऋषि परमार ने बस स्टैंड परिसर पर जनता से कथित रूप में कहा, घोटालों की जांच सीबीआई से करा लो, नगर पालिका का हर अधिकारी कर्मचारी अध्यक्ष पार्षद दोषी निकलेगा। आम आदमी पार्टी शाजापुर चुनाव प्रभारी लक्ष्मी चौहान ने जनता के सामने आरोप लगाया कि कांग्रेस बीजेपी शासित शाजापुर नगर पालिका में आज तक का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। 300 करोड़ रुपए बजट की नगर पालिका को भाजपा और कांग्रेस ने बारी बारी से लूटा है और यह लूट कई चरणों में हुई है। इस लूट को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी नगर पालिका के 29 वार्ड से चुनाव लड़ेगी और सभी भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजेगी। भ्रष्टाचार का पुतला दहन करते हुए जिया लाला ने आरोप लगाया कि जनता पर पानी का दोहरा टैक्स लगाकर नासिक की प्राइवेट कंपनी से लाखों रुपए की घूस लेकर लूट की है। यह लूट इमारतों के लिए आवश्यक अनुमति देते समय की, नगर पालिका में हर साल निर्माण प्रक्रिया में करोड़ रुपए के घोटाले में हुई। यहाँ लूट एक संगठित गिरोह की तरह होती है, जैसे एक इंडस्ट्री काम करती है, जैसे एक माफिया काम करता है। पार्टी प्रवक्ता विवेक शर्मा ने कहा, 100 लोगों का इलाज करने वाली महूपुरा डिस्पेंसरी को बंद कर दिया गया, उसके किराए के पैसे में और बंद पड़े ट्रांसफार्मर के 3 लाख रुपए भरने में भी गड़बड़ी है। प्रवक्ता राजेश सिसनोरिया ने कहा, 3 परिषद ने मिलकर भी शहर को स्वच्छ पानी नहीं पिलाया। यह बेहद दुखद है क्योंकि हम नगर पालिका में हुए सबसे बड़े घोटाले की बात कर रहे हैं। 1 अरब 20 करोड़ रुपए का घोटाला यहाँ हुआ है, जो कॉमनवेल्थ और राष्ट्रमंडल खेल जैसे बड़े घोटालों जैसा है। यहाँ तक कि सड़कों पर भी अब लोग शाजापुर नगर पालिका के भ्रष्टाचार की बात करते हैं। गंदे पेयजल की समस्या, सौंदर्यकरण के भ्रष्टाचार, डिस्पेंसरी की समस्या, स्वच्छता की समस्या, गधे और सूअर का पानी पिलाने वाली भाजपा और कांग्रेस की बात करते हैं। जिला उपाध्यक्ष संदीप परमार ने कहा, इन 120 करोड़ रुपए का इस्तेमाल सफाई कर्मचारियों, वार्डों में हेल्थ केयर डिस्पेंसरी डॉक्टरों, सौंदर्यकरण के लिए किया जा सकता था। इसका इस्तेमाल नगर पालिका के 29 वार्डों के मोहल्ला को स्वच्छ बनाने के लिए किया जा सकता था। कार्यक्रम में राजेश सिसनोरिया प्रवक्ता, नगर अध्यक्ष भोजराज आचार्य, वकील खान, संजू सौराष्ट्री, अनिल कदम, प्रेम कुशवाहा, इमरान वारसी, अनिल जाट, जाकिर अहमद, पप्पू यादव आदि के साथ कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। शाजापुर से डॉक्टर आबिद अली मदनी की रिपोर्ट। आज तहसीलदार को ज्ञापन दिया है और आगामी जो नगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी पूरे जोर शोर से हिस्सा लेने के लिए तैयार है। और यहाँ पर हमें जो लग रहा है कि जनता जिस तरह से त्रस्त हो गई है इन दोनों के भ्रष्टाचार से, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, उसके खिलाफ अगर आम आदमी पार्टी यहाँ आई है तो यहाँ की जनता भी दिल्ली जैसा जोश दिखाएगी और आम आदमी पार्टी को विजय बनाएगी और यहाँ की जनता को सारी चीजों में राहत देगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।